हेलो पीपल, आई नो यू हैव योर डाउट्स लिस्टेड अप, वो भी मेरे बहुत बोलने पे पावर वाले कंसेप्ट्स हैं, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन विद द नेक्स्ट लेसन एंड विल टेक अप योर डाउट्स. आई विल फॉर्म अ लेक्चर और सॉल्व कर दूंगा. ऑब्वियसली आई हैव अ फीडबैक के सर अगर लेक्चर लगा दिया करो तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छा लगता है. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट फिलहाल आई एम going to rest that. आपने भी ज़्यादा लोगों ने लेक्चर नहीं देखा अभी, जो डाउट सेशन है वो ज़रूर देखो, इससे पहले वाला लेक्चर 19. एंड होपफुली अपने आप भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन, मैं तो कर ही दूंगा. फॉर नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन. इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. बट व्हाट गर्ल्स वी सी के जो ये चैप्टर मैं शुरू करने लगा हूँ, इट रियली रिक्वायर्स योर एवरी डे एफर्ट. And there is one more thing in this lesson. Book mein, I divide this into three parts. This unit is called Magnetic Effects of Current. It is similar to electrostatics. Like we defined charge to be a fundamental property of matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effect. Basically, kya kiya tha? Ke a charge is a source of an electric field. एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, डाइपोल के कारण निकाले, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के बहुत सारे चार्जेस के कारण निकाले. फिर एक और चीज की, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. बेसिकली ये बात थी. वी विल डू एग्जैक्टली द सेम फॉर मैग्नेटिज्म. ठीक है, इन द बुक हमारे गुरुजी सुंदरलाल जी ने क्या किया होगा कि दूसरा पार्ट पहले किया होगा, बट आई विल गो द यूजुअल वे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस दैट अ मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन वी विल द सेकेंड पार्ट विल बी बिहेवियर ऑफ अ मूविंग चार्ज इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, सोर्स भी है और फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है, इसी तरह जो मूविंग चार्ज है वो सोर्स भी है मैग्नेटिक फील्ड का, और एक अगर मूविंग चार्ज हो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. सो बेसिकली बुक में सेकंड पार्ट पहले किया हुआ है. वी विल गो अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव डन. मेरे को वो अच्छा लगता है. सर भी पहले वैसे ही करते थे, तो अब पता नहीं क्यों ऐसे किया सर ने. मेरी तो हिम्मत नहीं है सर को पूछने की. एनीवे, पर वो सारा कुछ है, पर बुक में ऐसे ढूंढना मत. इट इज अ बिग बिग यूनिट. आई थिंक वी स्पेंट अराउंड 24 लेक्चर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड अराउंड 19-20 लेक्चर्स ऑन करंट. सिमिलरली मैग्नेटिक इफेक्ट के भी वी विल स्पेंड अराउंड आई थिंक अराउंड 24-25 लेक्चर्स. तीन पार्ट्स होंगे इसके. लो जी शुरू करते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. दिस इज द नेम ऑफ द यूनिट. द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज बीएम सेवन लॉ, यूजली प्रोनाउंस्ड एज Bayer Seven law, but the T is silent. So I will always call it Bayer Seven law. We started the chapter on electrostatics with Coulomb's law, which gave us the force between two point charges. From there, we found out the electric field due to a point charge. Similarly, Bayer Seven law will give us the magnetic field due to a moving charge. Aur moving charge ek current element hota hai. Sirf moving charge ke karan bhi ho sakti hai, but basically we will say that a current carrying wire is a source of a magnetic field. A current carrying wire
इज अ चलो ऐसे करो फिर से पढ़ लो पहले मत देखो पहले बेसिक से देखते हैं ठीक है अ करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पहले अ मूविंग चार्ज is a source of a magnetic field. Just as a point charge was the source of an electric field, a moving charge, as we are talking about magnetic fields, a moving charge will be a source of a magnetic field. और हमें पता है कि एक current carrying wire में भी एक charge move करता है. Moving from a lower potential to a higher potential electrons ड्रिफ्ट करते हैं एंड वी से दैट द करंट मूव्स फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल अ करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे पता लगा ये कैसे पता लगा अच्छा व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स वी विल आल्सो रिकैलकुलेट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमने कहा मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड वी रिमेंबर दैट अ स्टैटिक चार्ज इज अ सोर्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होती मूविंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक भी पैदा होती है मैग्नेटिक भी पैदा होती है हाउ डिड वी कम टू नो लेट्स कंसीडर अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट दिस इज अ वायर नो करंट इन इट When we pass an electric current through the wire, a magnetic needle placed over here, of the inner jewelry, will be deflected. ये needle ये बड़ी थी, ये needle deflected. A magnetic needle is also a magnet. The dot indicates north pole. If due to the current carrying wire, the magnetic needle is deflected, it means the current carrying wire is a source of a magnetic field. अगर यहाँ कोई charge पड़ा और मैं एक और कोई body लेके आता हूँ, इससे वो move कर गया, इसका मतलब है ये खुद positively charged है. Similarly, a magnetic needle is simply a needle which is capable to rotate freely. And it is under the influence of the Earth's magnetic field. But if a stronger field comes near its vicinity, it will affect it. Thus, a magnetic needle was deflected due to a current carrying wire. And if the direction of current was reversed, the deflection was also reversed. There was no deflection in the wire, in the needle, if the needle is placed here. Along the same line, this experiment ka naam hai, old stretch experiment. Whatever discoveries have been made, basically started with inquisitive minds. बेसिक तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने एंड देन दे डिड देन दे अराइव्ड एट अ रिजल्ट एंड फ्रॉम दैट फ्रॉम देयर वी अराइव्ड एट सम बेसिक थिंग्स व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजंस फ्रॉम हियर ऑब्जर्वेशंस A magnetic needle is deflected when placed close to a current carrying wire. The deflection is reversed
बैंक में, दो बातें हो सकती हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, या फिर द नीडेड इज प्लेस्ड on the opposite side. जो पहले दो लेक्चर होते हैं ना, इंपॉर्टेंट तो बहुत होते हैं पर एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आते, ठीक है, पर समझने बहुत जरूरी है और इसमें थोड़ी इमेजिनेशन भी जरूरी है. देखो, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, दिस इज अ नीडल, द नीडल इज प्लेस्ड हियर, यू पास करंट थ्रू इट, द नीडल विल बी indicating that this current carrying wire is a source of a magnetic field, because a magnetic needle can be deflected only by a magnetic field. You stop the current, the needle will come back to its original position. The direction of deflection is reverse if the direction of current is reverse. Ya phir je needle agar pehle upar padi thi, ab niche padi. This means that the direction of the magnetic field due to this current carrying wire above the wire is in a certain direction and below the wire is in a direction opposite relative to it. I repeat, the direction of deflection is reversed if the needle is through the needle. ये deflect हुई, नीचे कर दिया, उल्टी डिफ्लेक्ट हुई, पहले ये डिफ्लेक्ट हुई थी, ऐसे कर दिया, ये डिफ्लेक्ट हुई. दिस मीन्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल आल्सो बी रिवर्स. सो ये कंक्लूड मच फॉर ऑब्जर्वेशन, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द रीजन. There is no deflection in the needle this case. This means the magnetic field does not exist along the same line of the wire. And if there is no current, obviously there is no deflection. वो तो वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं. Conclusion. लिख लो यार, मैं क्या बोर्ड पे लिख रहा हूँ. Conclusion. A current carrying wire is a source of a magnetic field. A current carrying wire is a source of a magnetic field. And the magnetic field exists. And the magnetic field exists in a plane perpendicular to the plane of the wire. And you have some iron.
they will arrange themselves in a circular form. This is the direction of the magnetic field lines. And the direction of the magnetic field at any point will be given by the tangent to the field line at that P. नदी पे की ट्रैक्टर जा रहा था मेरे सिर पे आयरन स्पाइन्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग magnetic field lines. The direction of the magnetic field is given by the tangent drawn to the magnetic field line at that point. Magnetic field is in the plane of the paper. Why I say it? I say. My hand is the plane of the paper, this is the field, and the field line will be circular. Field lines will be circular. All interesting about the thing. Field lines due to a straight wire are circular. On the other hand, the field lines due to a circular wire are straight. The center. ये कर रहे हैं ये फील ये सारा कुछ आगे आएगा. It is just I'm trying to convince you that a current carrying wire is the source of a magnetic field. Moving charge भी है, सिर्फ charge move कर रहे हैं. But basically ज्यादा interest हमारा current carrying wire. Right hand thumb rule. Right hand thumb rule. बस अब घंटे घंटे के लेक्चर के लिए तैयार रहना, वो 45 मिनट वाली बात नहीं है. Listen to me very carefully. We hold the current carrying wire in our right hand in such a way that the thumb points along the sense of current A. Then the curling of fingers will give you the direction of magnetic field lines. Field nikal liye, jahan field nikal liye wahan ruk jao. Abhi main ghumai ja raha hu. Wire ke upar field nikal liye, ruk jao. टेंजेंट बना रहा हूं, ये नीचे निकाल लिए, ओके घुमाई जाओ, यहां निकाल लिए. होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंट्स अलोंग द सेंस ऑफ करंट. लिख लो, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा. Hold the current carrying wire in your right hand. Hold the current carrying wire in your right hand in such a way
that the thumb points along the sense of current. That the thumb points along the sense of current. Then the direction of curling of fingers, then the direction of curling of fingers will give us the direction of magnetic field lines. The tangent to the magnetic field line at any point, the tangent to the magnetic field line at any point gives the direction of the magnetic field at that point. Believe me, it is one of the most beautiful lessons. The more we keep on doing our plus two, the more interesting it really feels. The next lesson is going to be a little bit like induction and current. But this magnetic effect of current and magnetic, the big unit, I have divided it into three parts. Tino ke test alag honge. Jaise electrostatics mein bhi kiya tha na. Pehle due to wala aa gaya tha, phir field external mein kya hua, phir capacitor aa gaya. पोटेंशियल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी. एनीवेज, आई रिपीट, होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे, ये वायर, दैट द थंब पॉइंट्स अलोंग द सेंस ऑफ करंट, द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये उसके पीछे से, द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. The tangent to the magnetic field at any point gives the direction of the magnetic field at that point. This was for a straight wire. Ek line chhod ke likho, thumb rule wahi hai. For a circular wire, dash dal do aage. Curl the fingers of your right hand along the sense of current. Curl the fingers of your right hand along the sense of current. What's wrong? The direction of the thumb will give us the direction of magnetic field at the center. लेक्चर ऐसे लगाया करो जैसे क्लास में लगा रहे होते हैं. मैंने टीचिंग भी अब ऐसे ही कर दी है ऑनलाइन, ताकि नोट्स आपके साथ साथ ही बनते रहे. ठीक है, हैप्पी कोरोना. याद रखेंगे, जब भी कहीं जिंदगी में मिलेंगे तो याद रहेंगे कि अपने साल वक्त कक्का करोना था. जब भी मिलेंगे याद रखना. और कैसे कैसे, आई थिंक इन एडवर्सिटी वी लर्न अ लॉट. यू पीपल ऑल्सो मस्ट हैव लर्न अ न्यू थिंग्स. मैंने तो कंप्यूटर ही सीख लिया, लेक्चर रिकॉर्ड कभी जिंदगी में नहीं किया, करना आ गया. आया तो क्या, कोई ना कोई बच्चा बुला लेता हूँ, कर देता. I repeat, basically बात यह है कि स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड लाइन सर्कुलर है और सर्कुलर वायर के कारण फील्ड लाइन स्ट्रेट है. एट द सेंटर थंब अलोंग द सेंस ऑफ करंट, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स यू फील्ड लाइंस, टेंजेंट. कर्लिंग ऑफ फिंगर्स अलोंग द सेंस ऑफ करंट, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये इसके इधर भी, यहां पे फील्ड लाइन वुड बी कर्व
and at the periphery there will be closed paths which will not exactly be circular क्योंकि वो straight नहीं है ना है तो curve भी पर छोटा सा portion straight माना जा सकता है so at the periphery there will be closed paths which are not exactly circular so ये हुआ ये right hand thumb rule चाहे shade wire के कारण चाहे ये सारे रूल एक नए तरीके से आलम है सिंपली टू टेल यू दैट अ करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली तो मूविंग चार्ज है हम ज्यादा बात करंट कैरिंग वायर की लेट मी रिकैप्चुलेट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक हमारे पास चार्ज है वो चाहे रेस्ट पे है चाहे मूव कर रहा है दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा कोई केस ही नहीं है कि चार्ज भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो वी डोंट रिमेंबर एनी सच केस डू यू अगर है तो दिमाग से निकाल दो चार्ज है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है मूविंग चार्ज हाँ अगर चार्ज रेस्ट पे तो उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अगर मूव कर रहा है तो है जरूरी नहीं क्योंकि वायर के बिल्कुल सामने व्हेन वी प्लेस द मैग्नेटिक नीडल देयर वाज नो डिफ्लेक्शन हेंस दिस मींस देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड along the same line as the moving charge or the current carrying wire is baat ko hum formula mein dal denge actually formula baad mein aaya experiment pehle hua par hum sara kuch formula se karna chahte hain koi baat nahi maine bhi to aapko bhi directly experiment se kiya the moving charge or a current carrying wire is a source of a magnetic Let us now come up to some mathematics. And the magnetic field exists in a plane perpendicular to the plane of the wire. Let me come to Biot Savart law, जो मैंने बात सबसे पहले लिखी थी. शुरू में पढ़ाने में टाइम लगता है, बात कुछ भी नहीं. सबसे पहले देखो valid for इन फाइ नाइ टेसी मली स्मॉल करंट एलिमेंट्स अब करंट एलिमेंट क्या है यार कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस अगर किसी सफेर की लिया किया या किसी वायर के लिए किया तो या गॉसियन में लगाई थी या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया रिंग के लिए किया सिमिलरली बाय सेवर्ट लॉ बियोट सेवर्ट लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल छोटा सा करंट एलिमेंट ये मेरे पास इंटीग्रल का साइन नहीं है वैसे वायर बनाइए अपनी के लिए भी ठीक है और ये एक छोटा सा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है शायद कंफ्यूज हुआ करंट स्केलर है कि वेक्टर है स्केलर है डायरेक्शन तो है करंट की पर स्केलर है क्योंकि डायरेक्शन यूनिक है करंट इज अ स्केलर बट करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है जो करंट की है अजीब लगता है कोई बात नहीं लगने दो आदत पड़ जाएगी तो ये करंट एलिमेंट है ये छोटा सा करंट एलिमेंट है ये छोटा सा इसको बोलते हैं आई डी वेक्टर डीएल के ऊपर डाल पर डीएल वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो करंट की है ए ये एक पॉइंट पी है एट अ पोजिशन आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट एंड दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन आइडियल एंड कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पी
मैग्नेटिक फील्ड, ई बी इज थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऑब्वियसली जितना करंट होगा उतनी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीएल अगर ज्यादा होगा तो बड़ा होगा, बट एवरी छोटा छोटा पॉइंट ऑफ डीएल शुड बी एट द सेम डिस्टेंस, और क्योंकि अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जितना दूर होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, बिकॉज एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि अगर बिल्कुल सामने हो आइडियल और आर में एंगल जीरो हो तो फील्ड नहीं होती, क्यों पता क्या? हमें कैसे पता? यार नेडल डिफ्लेक्टिंग नहीं, ये सारे फैक्टर को मैंने कंबाइन कर दिया, डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, जैसे कि क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, वहां था के, यहां भी के लिख लेते हैं, के इंटू आई डी एल इंटू साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, वहां के की क्या वैल्यू थी? 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस टू, यहां पे के की वैल्यू है बिल्कुल सेम तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा हूं, और बिलीव मी सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स रिवाइज हो जाएगा अगर कंफ्यूज ना किया मैंने तो, 10⁻¹⁷ Listen to be careful. Magnetic field के unit है T for Tesla. नई गाड़ी की बात नहीं कर रहा, गाड़ी का नाम यहां से रखें Tesla. मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, एक कट गया मीटर, एम्पियर माइनस वन, थीटा इज डायरेक्शन प्लस वन वाले बच्चों को मैं तंग आ गया हूँ करा करा के, अगर क्लास में होते तो एक अद्धे देता पै जाते हम तक बर्दाश्त कर रहे हैं। लो वहां पे फिर क्या किया था, के को एक और तरीके से डिफाइन किया था, 1/4 πε₀, वेयर एप्सिलॉन नॉट वाज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, which physically determined the extent to which the medium will allow an interaction. मैं कहा सारा कुछ revise हो जाएगा, यहां पर भी वही होगा, we define k equal to mu naught over 4 pi, where mu naught is equal to 4 pi k, which is 4 πε₀⁻¹⁷ Tesla meter ampere minus 1. As absolute permeability, वहां था permittivity, यहां आ गया permeability, मतलब एक ही है, वहां पे इलेक्ट्रिकल है यहां पे मैग्नेटिक है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और बाकी, देयरफॉर ये आर्टिकल नहीं है कोई, जो लास्ट वाला डिब्बा होगा अल्टीमेटली सिर्फ वही याद रखना है, डीबी इज इक्वल टू mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square. dB is equal to mu naught over 4 pi I dl into r into sin theta over r cube.
मात्र जरा फूक रागम ए बी साइन थीटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तुसी कहोगे सर बी क्रॉस ए भी तो हो सकता है मैग्नीट्यूड का बराबर है लेकिन राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो डायरेक्शन कौन सी आ रही है ये वायर मेरे हाथ में यहां पड़ी है यहां पे फील्ड अंदर को तो वो आइडियल क्रॉस आर करूंगा तो आएगी ठीक है नहीं समझे तो रट लेना क्रॉस मींस फील्ड इज इनटू द पेपर डॉट मींस फील्ड इज आउट ऑफ द पेपर बोर्ड पे ऐसे आ रही है वो आइडियल क्रॉस था आपके पेपर पे तो कैसे आपके पेपर पे ऐसे आएगी ये आइडियल होगा ये आर होगा नीचे इनटू द पेपर सो डी बी वेक्टर इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल क्रॉस आर ओवर आर क्यू दिस इज नॉट अ डेरिवेशन इट इज अ जनरलाइजेशन दिस इज योर रिजल्ट डीबी का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वन एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय आइडियल क्रॉस आर या फिर राइट हैंड मैग्नीट्यूड एज गिवन बाय वन एंड डायरेक्शन बाय आइडियल क्रॉस आर और राइट हैंड थंब रूल मैं राइट हैंड थंब रूल प्रेफर करता हूं आइडियल क्रॉस आर भी कर लेते हैं बच्चे अच्छा अगर एक और पॉइंट है पी डैश एट पोजिशन वेक्टर आर डैश वेर आर डैश कम मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल टू आर टू फील बाहर को आएगी आपके पेपर पे ऐसे पेपर इज बेटर मोड टू अंडरस्टैंड और यहां पे फील बाहर देख सकते हैं यहां पे नोटेशन के भी क्रॉस मींस इनटू द पेपर डॉट मींस आउट ऑफ पेपर Looking for all intents and purposes, the magnetic field is given by Biot-Savart law. और वो क्या है? Mu over 4 pi, ideal vector cross r vector over r cube. Magnitude क्या है? Mu over 4 pi, ideal sine theta over r square. This सारी रामचरितमानस आज की यही है. Biot-Savart law. पहली application शुरू करते हैं जी. टाइम देखें कितना रह गया अभी तो 39 मिनट्स हुए मैं तो घंटे का लेक्चर लगाऊंगा बंद कर देनी है बायो बुयो में पढ़नी तो अभी पढ़ानी है एवं सिलेबस पे जाइए लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट क्या हुआ अच्छा उससे पहले मैं आपको मूविंग चार्ज के कारण निकाल देता हूं फिर टेस्ट में पूछ लूंगा फिर आप शोर मचाओगे पावर वाली असाइनमेंट अभी सारे बच्चों ने नहीं की मुझे झूठ मत बोलो मेरे तो ध्यान एक और तरीका पकड़ रखा है ऐसे लिख देते हो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 14 भी कर ली हमने है अभी लेक्चर नंबर 19 नहीं देखा बच्चों ने 30 बच्चों ने देखा यार उसमें से भी अपने पता नहीं कितने हैं कोई 250 व्यू है कोई 160 व्यू है पता नहीं कौन देखी जाता आप तो देख लो नोट डाल फॉर मूविंग चार्ज
चार्ज मूव कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में देखना है। मैं वहीं से डिराइव कर दूंगा मेरा डबल फोर पाई आइडियल क्रॉस ओवर आर के इसकी इंटरप्रिटेशन देखना मैं क्या आई इज डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एल क्रॉस आर ओवर आर के टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। चलो पहले ये चलते हैं नॉट बाई फोर पाई ये डीएल बाई डी टी को वी लिख दिया था डीएल बाई डी टी को वी लिख दिया डी क्यू इंटू वी क्रॉस आर ओवर आर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी समेशन हो जाएगी इसकी तो नॉट ओवर फोर पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर If V is perpendicular to R, that is के ये charge move कर रहा है इस line पे plus Q charge move कर रहा है इसके यहाँ पे field कितनी है ठीक है ये मतलब हुआ इस बात का तो B कितना आ जाएगा B का magnitude काफी पूछते हैं Q into V over R square बस जाते हैं अगर मैं पूछ लेता हूं 4 pi Q into V over R square मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ magnetic field at the center a circular current loop superposition lagani hai beta कि ये मेरे पास एक करंट लूप है बैड एंड रनिंग सर्कल जो पास है तो ये सेंटर और ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट और इसका रेडियस है करंट आई फील्ड निकालनी है सेंटर सारी सर्कुलर वायर के छोटे 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 करंट एलिमेंट बनाते ये एक करंट एलिमेंट आई डी एल और ये रहा आर वेक्टर जो कि रेडियस भी आर वेक्टर बेसिकली क्या है आइडियल वेक्टर के जड़ से जहां आपने फील्ड निकालनी है वहां तक का वेक्टर आर वेक्टर है ये रहा आर वेक्टर ये आइडियल ये आर वेक्टर यहां आर वेक्टर जो है वो रेडियस के बराबर है इंसिडेंटली तो सबसे पहले टाइम डिवोट करना ज्यादा शुरू कर दो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट इज हमेशा हमने नोटेशन ऐसे रखनी है कि बीओ सेवन लॉ से शुरू करें मी नॉट बाय फोर बाई आइडियल क्रॉस आर ओवर आर क्यू करंट एलिमेंट हर जगह टेंजेंशियल है और आर वेक्टर रेडियस है जहां मर्जी बना लेना वो
परपेंडिकुलर ही होगा। डीबी का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडियल साइन, चलो आई बड़ा ही लिखा गया, ठीक है, तो छोटे काम की आदत है, एक ही बात है बस, आईडियल साइन 90 ओवर आर स्क्वायर और डीबी आ गया मेरे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई आईडीएल ओवर आर स्क्वायर। एक करंट एलिमेंट की, अगर मैं करंट एलिमेंट किसी और जगह ले लूं तो उसका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? सेम ही आ रहा है। इंटेग्रल और समेशन में फर्क, समेशन वहां कर सकते हैं जहां पे अब हर एक के कारण चाहे यहां ले लो चाहे, और डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम ही आ रही है, डायरेक्शन भी सेम ही आ रही है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट होम ड्यू टू द एंटायर लूप इज बी इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ डीएल, कि जहां जहां की डीएल है ये वाला डीएल, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो कांस्टेंट है, डीएल 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 सारा सब कर लोगे क्या बन जाएगा 2 पाई आर, एल इज 2 पाई, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इनटू 2 पाई। म्यू नॉट आई बाय 2 आर अलग से याद कर लो, स्टार्ट व्यू से पटाव से किए हमेशा थोड़ी करेंगे। दस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इज म्यू नॉट आई बाय 2 आर, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल लिख चुके हैं हम, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द फिंगर्स आर कर्लिंग अलोंग द सेंस ऑफ करंट, द थंब विल पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर। आपकी नोटबुक के लिए ऐसे बनाया ना, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द सेंस ऑफ करंट, द थंब विल पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अगर ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। फिर एक बार लिखो, याद हो जाता है, लिख लेना अपने आप, अच्छा सेम ही, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द सेंस ऑफ करंट, curl the fingers of your right hand along the sense of current, then the direction of the thumb will point towards the magnetic field at the center. Curl the fingers of your right hand along the sense of current, then the direction of the thumb will point towards the magnetic field at the center. In the diagram, the magnetic field at O is perpendicular to the plane of the paper and points out of it. Likh sakte. In the diagram, the magnetic field at O is perpendicular to the plane of the paper and points out of it. बस नहीं करूंगा मैं घंटा का लेक्चर देना है, बड़ी सिंपल बात है, माइंड इट। मैंने 6 दिन में बीओड सर्किट लॉ खत्म कर एप्लीकेशन समेत, फिर साइन में टेस्ट बड़ा कुछ करना पड़ा, ये तो भाग जाओ तुम, मेरे को क्या धर्मशाला चले जाऊंगा क्वारंटाइन कोई कुछ कर, हाँ वहां से लेक्चर दे सकते, पर मैं कहां जाऊंगा पटियाला छोड़ के। Anyway,
इसकी एप्लीकेशन कराता हूँ आगे, ठीक है। सपोज करो पूरा सर्कल नहीं है, चलो ऐसे करते हैं, ये एक सेमी सर्कल, यहां फील्ड निकाल लिए। अब स्ट्रेट वायर के कारण तो यहां फील्ड है नहीं ना, सिर्फ इसी के कारण, स्ट्रेट वायर के कारण ये नहीं है फील्ड नहीं होती, उसके सामने नहीं होती, यहां होगी, निकालेंगे अगला आर्टिकल करेंगे कल। अब आधी है, आधी के कारण तो फील्ड आधी भी होगी, सो द आंसर विल बी मीनो डाई बाय 4R, सिंपल तरीका भी है, ठीक है। बी कितनी है, नो, और डायरेक्शन क्या है, अंदर, ये बस वो पेपर में आएगा, लिख भी दे। अच्छा इमरान ड्रेस एनसीईआरटी है, ये इसमें सेंस ऑफ, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज की, पर लूप को ऐसे कर दिया, फ्लिप कर दिया, ए लूप को फ्लिप कर दिया, तो करंट तो लेफ्ट टू राइट ही है, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लूप में बदल गई। वेरी इंटरेस्टिंग यार, मेरे सवाल तो सिंपल होते, मेरे तो मुश्किल के तो पूछे नहीं, सिंपल। ए फील्ड यहां पे कितनी है, म्यू नॉट आई बाय 4R, लेकिन अब जो फील्ड होगी पेपर पे ज्यादा बेटर, पेपर पे ज्यादा बेटर, मेरे पास वर्टिकल प्लेन है, आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वैसे प्लेनों का कहानी समझ नहीं आती, ये बात को। अच्छा एक और काम, दिस इज सिंपली अ पोर्शन, ये पूरा सर्कल है, मैंने सिर्फ एक पोर्शन के कारण फील्ड पूछी, ये दोनों स्ट्रेट पोर्शन के कारण तो फील्ड जीरो, ये आर्क के कारण आ गया, पॉइंट ओ पे आइडियल और आर में एंगल 90 हुई है, जहां मुझे आइडियल बना दो, है तो सर्कल ही ना, जहां पर आइडियल क्रॉस था आर भी सेम, ये एंगल मैंने फाई दे दिया, जान के फाई होता है, थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर व्हिच इज 90 फॉर एनी करंट एलिमेंट। अब टोटल फील्ड पता कितनी है, सारी और आपको खाली डाल के वो आएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ डी एल, यही बात है ना, अगर यहां करते हैं तो समेशन ऑफ डी एल क्या आ गया था, पाई आर, पर वो हमने वैसे भी कर लिया कि सर पूरे सर्कल के कारण फील्ड अगर म्यू नॉट आई बाय 2R है तो आधे के कारण, क्वार्टर के कारण एडर आ जाएगी। अब क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर डीएल क्या है, मैं तो यार लड़ाई को देखो इसे वाला डीएल, अगर तो पूरा सर्कल होता तो वो 360 डिग्री होता तो वो 2 पाई आर होता, अब फाई है तो कितना, 2 पाई आर बाय 360 इंटू फाई, ठीक है जी, ये कितना आ गया 2 पाई, लिख दे 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, 360 डिग्री इज हाउ मच, 360 कितने पाई होता है, 2 पाई, 2 पाई रेडियंस अपॉन 2 पाई, तो ये आ गया 2 पाई आर अपॉन 2 पाई इनटू फाई, गलत कर रहे हैं कि ठीक है, ये कितना आया, फाइव अपॉन 360 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2R, ये कोई देखना मुझे तो याद होता है, आ गया मेरे ध्यान, ठीक है, म्यू नॉट आई बाय
म्यू नॉट पाई बाय 2R और 2 पाई का बना दिया मैंने 360, चाहे पाई आर आए आर आऊ ठीक है. 5 म्यू नॉट आई 4 पाई आर which is better expression as 5 by 360 into the field due to a complete set. क्योंकि कंप्लीट सर्कल की फील्ड हमें याद होगी. और फाई क्या है? फाई इज द एंगल सब्टेंडेड बाय द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द आर्क एट द सेंटर. फाई इज द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर बाय द streams of the arc. तो सेमीसर्कल में वो एंगल कितना था? 180. So the field due to a complete circle is mu naught I by 2R and due to a arc is 5 by 360 into the field due to the complete circle. ये जवाब देने का बहुत अच्छा तरीका है. अच्छा, ये मेरे पास एक पूरा सर्कल था और ये मेरे पास ये कुछ ये एंगल 90 का है. फाइव कितना दिया हुआ? 90 नहीं दिया हुआ, 270. Direction into. दो ही पॉसिबिलिटी होती है यहां, either into या out. So this was the magnetic field due to a circle, semicircle and an arc. अच्छा, नहीं आर्टिकल नहीं करवाता आपको, खुश रहो, एप्लीकेशन साथ के साथ करवा. बड़ी ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, कंसेप्ट बना. आई हैव अ सर्टन लेंथ ऑफ वायर, सर्कल बना दिया उसका, फील्ड एट द सेंटर इज जीरो. If the same wire is turned more sharply so that there is a double loop, same length of the wire is turned more sharply to give us a double turn. दो टर्न्स को इतनी नहीं है कि रेडियस अलग अलग हो जाए. हाँ, अगर मैं कहूं 100 टर्न्स है तो हर टर्न का अलग अलग होगा, फिर इंटीग्रल करना पड़ेगा. सो ये बेसिकली रेडियस ऑफ आर डैश हो गया. करंट की डायरेक्शन वही रही और करंट भी आई हुई रहा.
सो बेसिकली जो बी था मेरे पास वो था म्यू नॉट आई बाय टू आर वेयर एल वॉज टू बाई आर सर्टन लेंथ एंड आर इज एल बाय टू बाई लेटर एल वॉज टू इंटू टू बाई आर डैश giving me r dash to be r by 2 पर नंबर ऑफ टर्न्स तो दो हो गई तो वो दो बार ही करना पड़ेगा तो b dash is 2 this 2 is for number of turns into mu not I by 2 r dash 2 into mu not I by 2 r dash is r by 2 ये कितना आ गया वो था म्यू नॉट आई बाय टू आर मैं ऐसे लिखू इसको 4 इंटू म्यू नॉट आई बाय टू आर विच इज 4 सो इफ वी हैव अ डबल लूप ऑफ द सेम लेंथ ऑफ द वायर द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम 4 टाइम्स इफ वी हैव एन लूप्स 4 एन टर्न्स मेड फ्रॉम the same length of wire b dash kitna aa jayega n square times kyunki radius r by n ho gaya radius r by n ho gaya number of turns bad gayi thus for a single loop the result is mu not I by 2 r agar wahi pe n turns ho to n times ho jayega agar radius same पीछे लिख भी सकते हो वैसे जो लास्ट आर्टिकल आपने कंप्लीट किया है ना बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू आर जहां आया रिजल्ट वहां पे नोट डालो और लिखो कि भी इफ द लूप हैज एन टर्म्स द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम एन टाइम्स वहीं पे एक लूप है तो म्यू नॉट आई बाय टू आर एन टर्म्स है वहीं पे वो तो फिर लेंथ ऑफ द वायर ज्यादा होगी ना एक टर्म थी वहीं पे मैंने दो टर्म्स कर दी तो n टर्न्स हो जाएंगे तो फील्ड n टाइम्स हो जाएगी बट अगर सेम लेंथ ऑफ द वायर इज टर्न मोर शार्पली तो फिर रेडियस छोटा हो जाएगा एक n का फैक्टर आएगा n टर्न्स का एक रेडियस भी r by n हो गया आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन ठीक है दैट इज ऑल फॉर टुडे प्लीज अभी पता नहीं घंटा हुआ कि नहीं 1 आवर एंड 3 मिनट्स गुड लक